देवास जिले के अंतिम छोर पर बसे नेमावर में हुए जनहत्या हत्याकांड में मासूमों सहित मां को ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस द्वारा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजाराम यादव, राजेश होलानी उपस्थित थे। सभा के दौरान जिला प्रवक्ता निर्मल पुरोहित ने कहा कि जो भी इस घटना में अपराधी पकड़े गए हैं उनके कॉल डिटेल की जानकारी सार्वजनिक की जाए, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि इस घटना में कितनी संलिप्तता है जग जाहिर हो जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने इसका दौरान कड़ा हमला करते हुए मुख्यमंत्री और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। सतवा से जीतू सिंह की रिपोर्ट। साथियों, इस आदिवासी बेटी नहीं अपितु सारे समाज की बेटी है। आज शिवराज के राज जो अपराधी से किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सतत 1.5 महीने संपर्क किया, यह कलाई खोलनी चाहिए। जब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको कितनी मदद कर रहे थे। हम मांग करते हैं कि उस नेमावर के अपराधी की मोबाइल कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए, जिससे पता लगे कि उसने किन किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, किन विधायकों से मदद मांगने के लिए फोन पे बात की और पुनः किन नेताओं ने उसको फोन लगाकर मदद करने का आश्वासन दिया, ताकि इन बेरुपियों के चेहरे बेनकाब हो, इन भगवान पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।